नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसमें वीडियो पार्ट 4 के माध्यम से हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सीखेंगे। जैसा कि प्रोजेक्शन चल रहा है तो अब ये वीडियो पार्ट 4 है जिसमें हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि ये क्वाड्रेंट आपने समझे हैं, चारों क्वाड्रेंट है। फर्स्ट एंगल में हम वस्तु को यहाँ पे रख रहे थे, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट थर्ड एंगल की। इसमें सेकंड और फोर्थ इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि ये इसके बीच में छिप जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि जब इनको क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घुमाया जाता है तो ये सतह इसके ऊपर चली जाती है। और वैसे भी अगर हम सिलेबस के बात करें या सिलेबस पे फोकस करेंगे तो हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो होते हैं केवल हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट की, जिसको तृतीय पाद के नाम से हम जानेंगे। इसमें यदि हम वस्तु किसी को रखते हैं और वस्तु को इधर से ऑब्जर्व करते हैं या फोकस करते हैं, इधर से इस दिशा से हम देखेंगे वस्तु को, तो इसका ये तो हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन के बीच में आपकी वस्तु रखी हुई है और ये जो आपका है ये एक तृतीय जो है तृतीय पाद है क्वाड्रेंट। यदि हम इधर से अब इसको देखेंगे तो इस वस्तु का जो प्रक्षेपी रेखाओं के माध्यम से जो आकृति आपकी बनेगी वो इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर बनेगी, यहाँ पे आपके इस जगह आपका बनेगा। और इसका जो टॉप व्यू है या हम ये कहें इसका ऊपरी जो प्लान है वो आपका बनेगा हॉरिजेंटल प्लेन पे, हॉरिजेंटल प्लेन पे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो भाग है ये आपका क्लॉकवाइज घूम जाता है। जैसे ही ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन जो है ये आपका ऊपर चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो आपका टॉप व्यू बन रहा था, जो यहाँ पे आपका टॉप व्यू बन रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका भाग होगा इस जगह चले जाएगा। आप यहाँ से भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे आपका जो टॉप व्यू बन रहा है वो आपका इस बिंदु पे चल जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इसको हमने क्लॉकवाइज घुमा लिया है, इसलिए ये वाला जो भाग बना है ये आपका इस बिंदु पे चला जाएगा। तो इसका जो है आपका फ्रंट व्यू जो है ये वर्टिकल प्लेन पे बनेगा और जो टॉप व्यू है वो हॉरिजेंटल प्लेन पे बनेगा। लेकिन हॉरिजेंटल प्लेन, जैसे कि मैंने बताया, अगर इसको क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से थर्ड एंगल की जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, तो इसके अंदर आपका फ्रंट व्यू नीचे की ओर और टॉप व्यू ऊपर की ओर आएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो टॉप व्यू है ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन पे आएगा और जो फ्रंट व्यू है आपका ये आपका आएगा वर्टिकल प्लेन पे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं आसानी से कि आपका टॉप व्यू इसमें ऊपर आएगा, फ्रंट व्यू आपका नीचे आएगा, और फ्रंट व्यू के साइड में जो आपका है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा आपका LHS।